वहीं खबर गरियाबंद जिले से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष एमडी जगदीश सोनकर ने सुपेबेड़ा से लौटते समय गरियाबंद जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं को देखते हुए तय किया कि रायपुर से एक मैनेजमेंट टीम भेजी जाएगी, जो कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय में मरीज अपने इलाज के लिए विभिन्न कमरों में भटकते रहते हैं, साथ ही अस्पताल में उचित व्यवस्थाओं का अभाव पसरा हुआ है, जिसके चलते उन्होंने निर्णय लिया है कि रायपुर की टीम आकर डॉक्टरों को बैठने के कक्षा के आसपास ही ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कि मरीजों को अधिक दूरी तक चलना ना पड़े और मरीज को सभी प्रकार की सुविधाएं आसानी से मिल जाए। गरियाबंद से फारूख मेमन की खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य की टीम आएगी, वो थोड़ा सा उनको उसको रीऑर्गेनाइज करेगी, क्योंकि कई जगह जो चीजें हैं वो व्यवस्थित नहीं थी, तो उसको व्यवस्थित किया जाएगा और थोड़ा सा उसको ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जिला अस्पताल में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उसका लाभ ले सकें। हमने जो है डायलिसिस यूनिट जो है अलग से प्रारंभ किया हुआ है और इसके अलावा एनआरसी का भवन भी हमारा लगभग बनकर तैयार हो रहा है, तो कुछ समय में और भी सुविधाएं हमारी बढ़ेंगी।